नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आंध्र प्रदेश के चिमूर में प्रिंसिपल दंपति ने अंधविश्वास के चक्कर में अपनी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस ने उनसे हत्या का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि दोनों बेटियां सूरज उगने के साथ ही जीवित हो उठेंगी, क्योंकि कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग शुरू हो रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में चौंकाने वाला यह घटना सामने आई है, जहां एक प्रिंसिपल दंपति ने अपने ही बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी मां ने अपनी दोनों बेटियों पर डंबल से हमला कर उनकी जान ली है। मृतकों की पहचान 27 साल की अलेख्या और 22 साल की साई दिव्या के रूप में की गई है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़े इन दंपति ने अपने बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। अंधविश्वास के चक्कर में पड़े पद्मजा IIT गोल्डन मेडलिस्ट है और मदनपल्ली इलाके में IIT कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, जबकि पुरुषोत्तम नायडू सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल है। सतयुग आएगा तो जी उठेंगी। पुलिस ने बताया कि जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तब इस जघन्य अपराध के लिए उनके चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। जब उनसे हत्या का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कलयुग खत्म हो रहा है और सोमवार को सतयुग शुरू हो रहा है, तो उनकी दोनों बेटियां सूरज उगने के साथ साथ जीवित हो जाएंगी। पुलिस ने आरोपी दाम्पत्य को हिरासत में लेकर मृतकों को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की संलिप्तता तो नहीं है।